सासाराम नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी रह चुकी कुमारी हिमानी को गया जिले के शेरघाटी से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 22 लाख रुपए के गबन का आरोप है। सासाराम नगर थाना की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सासाराम लाया। बता दें कि कुमारी हिमानी वर्तमान में बोधगया में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। उन पर सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए कुल 7 योजनाओं में 62 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। गिरफ्तारी के समय कुमारी हिमानी अपने पति के सरकारी आवास में थीं और सरकारी काम निपटा रही थीं। इस दौरान नगर परिषद के 2 कर्मी भी मौजूद थे। अचानक पुलिस ने उनके पति के आवास को घेर लिया और चारों ओर से नाकेबंदी कर गिरफ्तारी वारंट दिखाते हुए आवासीय परिसर में प्रवेश किया। गिरफ्तारी के वक्त कुमारी हिमानी के पति सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शेरघाटी प्रशांत कुमार प्रसून आवास में नहीं थे। एसपी आशीष भारती ने कहा कि सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कुमारी हिमानी को गया से गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में पैसे की गबन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें बिना कार्य कराए लगभग 55 लाख रुपए की निकासी की गई थी। इस संबंध में जिला स्तर से टीम बनाया गया था, जिसके द्वारा जांच किया गया था, जिसके जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में सासाराम टाउन थाना कांड संख्या 503/20 तथा 156/21 दर्ज किया गया था। यह काफ़ी गंभीर मामला था और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, जिसमें पूर्व में एक अन्य अभियुक्त जो कि नगर परिषद की मुख्य पार्षद को गिरफ्तार किया गया था। और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि इस मामले में एक अन्य अभियुक्त जो कि नगर परिषद की पूर्व जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो शेरघाटी में छुपी हुई हैं। तो इस मामले इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सासाराम टाउन एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को वहां पर भेजा गया और शेरघाटी से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में जो अन्य लोग शामिल हैं उनके संबंध में पूछताछ भी की गई है और जो कुछ अन्य शेष अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो SIT बनाई गई है वो लगातार छापेमारी की जा कर रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वर्तमान में 2 कांड दर्ज थे इनके विरुद्ध और एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया गया और एक को अभी कल गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस गबन मामले में पहले ही सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद कंचन देवी जेल में हैं। वहीं अभी भी मामले में अभियंता की गिरफ्तारी बाकी है। इन पर नगर थाना में कुल 2 मामले दर्ज हैं। SP ने यह भी बताया कि बाकी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए रोहतास से रंजन की रिपोर्ट।